आज मेरा डे वन आज का। ये मेरा होटल है और मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा। तो बाहर आ गया हूँ मैं होटल से और अभी मैं अपनी फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे जा रहा हूँ, गोलिस्तान पैलेस खान से का। ये मेरा होटल का बाहर का स्ट्रीट है। वेदर काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। मैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ गया हूँ, गोलिस्तान पैलेस। ये इनका विंड कैचिंग टावर है। तो जिस बिल्डिंग में अभी इंटर हुआ था वहाँ फिल्मिंग चल रही थी, तो उस वजह से वो बंद किया हुआ था उन्होंने आज। अभी मैं इसके दूसरे टावर में जाता हूँ। इनकी एक और बिल्डिंग से मैं बाहर निकला हूँ, अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। इस जगह का एंट्री टिकट अराउंड $10 का था, बट मेन बिल्डिंग इन्होंने आज बंद करी हुई है जहाँ फिल्मिंग हो रही है आज। हर पैलेस अब तक यहाँ मैं जितने भी पैलेस में गया हूँ, बीच में इस तरह फाउंटेन या पूल ज़रूर होता है। गोलिस्तान पैलेस
उस तरफ थोड़ा रश लग रहा है, आई गेस कुछ है वहाँ पे, जाके देखता हूँ। पेंटिंग म्यूजियम भी आज उन्होंने बंद किया था। ये पैलेस का मेन पार्ट है, मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे भी पेंटिंग्स, मिर्ज़ा बाबा शिराज़ी, यहाँ पे म्यूजियम है जहाँ पे उस जमाने की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे सारी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये इनका मेन एंट्रेंस पे आया हुआ हूँ, फुल ऑफ ग्लास, इनका ग्लास आर्टवर्क। यहाँ से ऊपर जाना है, ये इनका मिरर हॉल है, इसके चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं ऊपर तक भी।
ये वो जगह है जहाँ इनके किंग बैठा करते थे, और पीछे भी मिरर वॉल लगी हुई है। ये इनका रॉयल म्यूजियम है। मिरर हॉल आ गया है। यहाँ पे काफ़ी मिरर हॉल्स हैं, एक मैंने अभी पीछे भी देखा था। ओके, अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ जाऊँगा और दूसरी लोकेशन की तरफ जाऊँगा। वैसे तो पैलेस बहुत बड़ा है, पर मैं थक गया मेंटली, क्योंकि रोड ट्रैवल में इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। अब मैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे वैसे दो बाज़ार हैं, एक ताजिस बाज़ार और एक ग्रैंड बाज़ार। तो ग्रैंड बाज़ार मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही रश है। पता नहीं मैं आगे तक जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ अनार का जूस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रैंड बाज़ार से बाहर आया हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा रश था अंदर। ये मैं इसकी दूसरी तरफ से बाहर आया हूँ और ये इस तरफ रोड है। अब मैं आज़ादी स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ। बाज़ार के बाद मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। एनीवे, मैं भी इनकी एक फेमस लोकेशन पे आया हूँ, आज़ादी स्क्वायर। ये अभी तक से वीडियोस में ही देखा था कि जगह, और आज यहाँ पे आया हूँ। रात के 9 बज रहे हैं, वैसे तो सुबह आना था यहाँ पे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बिकॉज़ मेरा नेट बंद हो गया था।
वीपीएन नहीं चल रहा था, पैकेज भी ख़त्म हो गया था, फिर अगेन मुझे होटल जाना पड़ा और पैकेज करवाना पड़ा, बिकॉज़ यहाँ टैक्सी वालों को बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता इंग्लिश, और ना ही लोगों को कुछ समझ आता है, लैंग्वेज बैरियर बहुत है। ये आज़ादी स्क्वायर, उसके उस तरफ मिलट टावर है जहाँ मुझे शायद कल जाना हो। इस टाइम लोग बहुत कम है यहाँ पर, बिकॉज ऑलरेडी रात हो गई है, यहाँ रात को 9 बजे सब बंद हो जाता है। कल मुझे जाना है मिलन टावर पे, जो वहाँ बिल्कुल वीडियो में दिख रहा है, वहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है विथ माउंटेन्स। ताजिर बाज़ार जाना है और एक और जगह जाना है, वो कल ही बताऊँगा। आज़ादी स्क्वायर,